प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी, आज हम अध्याय 9 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। अभ्यास 31 कक्षा कार्यार्थ। पहला प्रश्न है, निम्न मुद्रित शब्दों का प्रयोग स्वरचित वाक्यों में कीजिए, अर्थात स्वयं वाक्य बनाइए और नीचे दिए गए शब्दों का उन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे हमें सूर्य शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है तो सूर्य से संबंधित हम किसी भी प्रकार का वाक्य बना सकते हैं जिसमें सूर्य शब्द हो। जैसे सूर्य उदय होने पर प्रातःकाल होता है। इसी प्रकार हम अन्य कोई शब्द भी बना सकते हैं, जैसे सूर्य की तेज किरणें पृथ्वी को झुलसा देती है, या सूर्य संपूर्ण जगत का प्राण है, अथवा हम यह भी लिख सकते हैं सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से अन्य शब्दों को भी जो नीचे दिए गए हैं, पुरस्कार, निर्माण, एकत्र, जलाशय, इन शब्दों को भी वाक्यों में प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए, जैसे विद्यालय में प्रथम स्थान आने पर राम को पुरस्कार मिला, श्री राम मंदिर निर्माण कार्य में हमें पूर्ण सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार एकत्र और जलाशय शब्द को वाक्यों में प्रयोग करेंगे। कुंभ मेले में एकत्र करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई, जलाशय हमें जलाशय को स्वच्छ रखना चाहिए, ऐसे हमने इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया। प्रश्न 2, नीचे छपे शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उपहार, सर्वोच्च, अंत्येष्टि, गगन, अल्पाहार, उन्नति, श्रमिक, साधना, प्रतीक्षा और व्यवस्था। पहला है लगन और परिश्रम से ही रिक्त स्थान संभव है। ऊपर लिखे शब्दों में से कौन सा आएगा? लगन और परिश्रम से ही क्या संभव हो सकता है? लगन और परिश्रम से ही उन्नति संभव है, तो हम इसमें भरेंगे उन्नति संभव है। दूसरा, देश के निर्माण में एक सेठ से मजदूर का योगदान अधिक होता है। तीसरा, से ही साध्य सिद्ध होता है। ऊपर लिखे शब्दों में से हम ढूंढें तो हमें मिलता है साधना से ही साध्य सिद्ध होता है। इस प्रकार शेष रिक्त स्थानों को आप स्वयं समझ करके ऊपर लिखे शब्दों में से चुनाव करके वो शब्द इसमें भरने हैं। प्रश्न 3, निम्न मुद्रित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका प्रयोग स्वरचित वाक्यों में कीजिए। जैसे पहला है दास्ता, विद्रोह, शौर्य, महतारी, भोंडा, विहंग, अगवानी, धरा, गुप्तचर और आक्रमण। हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले दास्ता शब्द को अगर हम लें तो हम दास्ता शब्द का अर्थ होता है गुलामी, तो वाक्य बनाएंगे महाराणा ने कभी मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की, इसमें दास्ता शब्द आ गया। दूसरा विद्रोह, विद्रोह शब्द से अगर कोई वाक्य बनाए, किसानों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, इसमें विद्रोह शब्द आ गया। इसी प्रकार से आप भी शेष बचे हुए शब्दों को
वाक्य में प्रयोग करके इस प्रकार से अंडरलाइन करते हुए, रेखांकित करते हुए लिखेंगे। धन्यवाद।